नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर आगरा से आ रही है। कमिश्नर कोर्ट में विचाराधीन मामले में एसडीएम का खेल, मौके पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। एसडीएम एतमादपुर पर बिना सुनवाई के ही एक पक्षीय फैसला करने का आरोप। कमिश्नर कोर्ट में 21 नवंबर की लगी है सुनवाई की तारीख। बिना निर्णय के ही ठियाबंदी और पत्थरबंदी कराने भेजी प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और टकराव की स्थिति रही। खेत पर अवैध कब्जा करने के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। ग्रामीण के मुताबिक उनके जमीन पर प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत से जबरन अवैध कब्जा किया जा रहा है। किसान के मुताबिक विगत कई वर्षों से वह इस जगह पर खेती करते आ रहे हैं। थाना पछोखरा क्षेत्र के गांव एटा सलेमपुर निवासी किसानों की एतमादपुर तहसील क्षेत्र में है खेती। मौके पर पहुंचे तहसीलदार एतमादपुर, ग्रामीणों की हुई नोकझोंक। खास रिपोर्ट आगरा से देखिए। वो फुट ले लो अगर ज्यादा है, ये चक मार के यहाँ जब सीधा आ रहा है तो ये खत्म नहीं होगा। इसे खत्म करके वो क्या डाल के पास सब सारे डॉक्यूमेंट है, पीछे से कितना खेत हमारा नाम तो बाबा कौन से गांव में रहते हो आप? सलेमपुर। सलेमपुर में कितनी उम्र होगी बाबा तुम्हारी? हमारी वही 80-85। तो बाबा जिस गुल पे आप बैठे हुए हो ये कब की है? ये चकबंदी भैया 62 में हमंडारी है गुल है जी। अच्छा, हम कत्ते भराई जाएगी खेत की अब अगले भाई की 825 की। हाँ 825 भाई कब भराई करते है और जी कुलावा हो जो पहले तो गुल है जी जी गुंडारी फिर जाके बाद हम कुलावे लगाए न करे हम कुलावे लगाए न करे तो जी। तो बाबा ये वाला खेत किसका है? ये के घर के न को है जो बड़े भैया को। क्या नाम है उनका? विजय सिंह भैया। विजय सिंह। हाँ। और ये बगल वाला खेत किसका है? बगल वाला ये वाला खेत 8 बीघा जो है जी 8 बीघा खेत बिन को आ गए थे रोतम सिंह को भीम सिंह को। अच्छा नहीं अभी अभी इस समय किसके पास है? चंद्रवान चंद्रमान पे और पल्ला सुसपाल पे तो ये चक्रोट बहुत पुराना है। हाँ पुराना जी और को चक्रोट चकबंदी भैया 62 में तब को चक्रोट हुआ जी। सर मेरा नाम कृष्ण कांत है। कृष्ण कांत जी आज जो जो आपके खेत में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है क्या मामला, पूरी बात बताओ। सर ये सच्चाई के लिए और झूठ के लिए भीड़ इकट्ठी हुई है। मैं सच्चा हूँ तो मेरे लिए मतलब पब्लिक पीछे खड़ी हुई है और ये तहसील विभाग जो राजस्व विभाग बोलते हैं वो पूरा भ्रष्ट लिप्त हो गए भ्रष्टता में। मतलब मेरे खेत पर जबरन कब्जा करा रहा है दूसरी पार्टी से मिलके और आज उन्हीं की जो टीम आई थी वो मेरे खेत पर मुड्डी गाड़ने के लिए आई थी जबरदस्ती। कल नोटिस थमा के और आज को मेरे को टाइम दे के 11 बजे का और मेरे खेत पर हावी हुई है पूरी टीम मैं फोर्स के। आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से नहीं करी क्या? सर मैंने कल भी एक आवेदन दिया है एसडीएम सर को इस बारे में जानकारी दी कि सर आपकी जानकारी न हो तो मैं एक आवेदन आपको दे रहा हूँ। उसमें मैंने लिख रखा था कि सीधा सीधा मेरी खेत में फसल खड़ी हुई है वो भी मैंने कर्जे से फसल काट रखी है और अभी कोई छेड़खानी नहीं करते हुए और मेरी फसल को मतलब बर्बाद न होने से बचाएं। प्लस सर मेरा मतलब कमिश्नरी में मुकदमा भी है इस पर अपील डाल रखी थी वो मेरी अपील मंजूर हो गई है। उसमें एक डेट पड़ चुकी है, दूसरी डेट 21 नवम्बर की है और वहाँ से मेरे को मांग पत्र मिला था वो मैंने यहाँ तहसील में दे रखा है और उस मांग पत्र को न स्वीकार करते हुए इन्होंने दबा लिया और जो फाइल यहाँ से जाने वाली थी उसे मतलब दबा के और उसी के आड़ में 21 नवंबर से पहले वो यहाँ पे पत्थरबाजी कराना चाह रहा है राजस्व विभाग जिससे कि उसका अधिकार बढ़ जाए। एसडीएम कौन है समय? एसडीएम अभय सिंह। क्या चाहते हैं वो भ्रष्ट हैं बिल्कुल, वो गरीब की तो सुन ही नहीं रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं सिर्फ पैसे के बल पे बोल रहे हैं वो। हमारी कल भी मैं ठोकर खाई है तहसील में दीवानी में कलेक्ट्री में मेरी कहीं पे भी कैसी सुनवाई नहीं हुई है और तहसीलदार सर अपनी जगह पे सही है उन्होंने थोड़ी बहुत सुनवाई की पर इन्हें एसडीएम सर ने बिल्कुल कतई मेरे ना तो आवेदन उठा के देगा ना कुछ लेके फाइल में डाल दिया। उन्होंने मेरा जो आवेदन है जो कल का मैंने दिया है मेरे नोटिस आने के बाद मैं 4 बजे उनके पास गया
उनने मेरा आवेदन भी स्वीकार नहीं किया, बोला कि नहीं 21 को मतलब मैं नवंबर को पहुंचा दूंगा फाइल को, पर इससे पहले वहां पे पत्थर लगवा दूंगा मैं, आप जाओ यहां से, ऐसे करके मेरे को कोर्ट से कोर्ट का आदेश नहीं माना उन्होंने। नहीं माना सर, हमारे हिसाब से तो उन्होंने कोर्ट का आदेश माना ही नहीं, जो हमने मांग पत्र उनके हाथ में थमा दिया था उसे न मानते हुए उन्होंने 21 से पहले ही अपने पत्थरबाजी के लिए अपनी टीम भेज दी यहाँ पर। सर मेरा सरकार से अनुरोध यही है कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए, और जो गरीब इंसान है हम, मतलब हमें मतलब कर्जे से फसल लगा के वो फसल को रोंदने महीने में जो यहाँ का मैटर था पहले आधे के दिन आकर के मैंने पूरी जांच करके जज करके को बता दिया। अब अधिकारी का लेकर रुका होता हूँ, मुझे जानकारी मुझे है जितनी मैं बता सकता हूँ, वैसे मैं जानता नहीं कुछ भाई। ये भी सीधी नहीं नहीं, अभी कानून ट्रेनिंग हो जाए तब कानून होगा। अभी आप कानून में प्रमोट हो गया, फसल खड़ी हुई है तो क्या होता है? अभी तक तो सुनो, अभी तक तो मैं अभी ट्रेनिंग में चला जाऊँ, ट्रेनिंग पार होकर आ जाऊँ तब मैं बिल्कुल ओरिजिनल कानून भेजना भी नहीं चाहिए आपको, अनट्रेंड तो आपको भेजना नहीं चाहिए, नहीं दूसरे भेजिए कानून जानकारी के लिए। तो आपने मतलब यहाँ क्या देखा, मौका मुआयना किया? हाँ वो चल रही है प्रक्रिया, लोगों की भीड़ यहाँ ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, क्या कह रहे हैं? हाँ वही बातचीत चल रही है सबसे। अच्छा, इनका एक मामला कोर्ट में भी 21 तारीख को सुनवाई है कमिश्नरी कोर्ट में, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद सर, कुछ महीने